इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें 3 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर को अच्छे से भून लिया, उसमें 15 बादाम 15 काजू डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। 3 मीडियम प्याज ली थी, उसे मैंने ब्राउन कर दिया और उसे क्रश कर लिया। चिकन में अब हम 1 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन डालेंगे, 200 ग्राम दही शामिल करेंगे इसमें, मैंने दही को फेंट लिया है। यहाँ तक कोकोनट बादाम और काजू का, इसको भी इसमें शामिल करेंगे। हाफ नींबू का रस है, इसे भी डालेंगे। 1 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट है, इसे भी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस है, ग्रीन चिल्ली सॉस, इसे भी शामिल करेंगे। 1 टेस्पून सोया सॉस भी शामिल करेंगे। ये कुछ मसाले हैं, नमक है 1 टेस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी है, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, कलर है पिंच भर, मेथी है। अगर आपको कलर नहीं डालना है तो आप कश्मीरी मिर्ची डालें, 1 टीस्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं आप। 4 से 5 हरी मिर्ची है, कोरिएंडर है हैंडफुल, और कुछ मिंट लीव्स है, ये भी इसमें डाल देंगे। प्याज को जो मैंने क्रश करके रखा है, इसे भी हम शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून घी डालेंगे, ये देसी घी है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको जल्दी पकाना है तो आप कम से कम 1 घंटा से फ्रिज में रखें। देखिए चिकन को मसाला लगे हुए 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है, रख दिया है गैस पर और फ्लेम को ऑन कर दिया है। ये मैंने वही तेल लिया है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, इसी तेल में मैं चिकन को शामिल करूंगी। लगभग ये 3 टेबल स्पून ऑयल था। 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। पकते हुए 5 मिनट हो गए इसे, अब हम इस पर कवर करेंगे और इसे 15 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पर, फिर चिकन पकने तक पकाएंगे इसे। बीच में 1 से 2 मरतबा इसे चेक भी करेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ये अपने ही पानी में, दही के पानी में पक गई है और चिकन भी अच्छे से गल गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार, बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में ये, इसे पराठों के साथ, तंदूर रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। पैन पर आप नमक चेक कर लें। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम शामिल करूंगी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम डालने के बाद हम इसे 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। रेड चिकन बनकर आप रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।